यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी सोच से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है आज की, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि अगर आप TSSB का कोई सा भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, चाहे वो PRT हो, स्पेशल एजुकेशन टीचर हो, स्पेशल एजुकेटर हो, TGT हो या PGT हो, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपको करना है वो क्या करना है। दोस्तों, काफ़ी ना लोगों को समस्या रहती है कि आगे इसके बाद क्या करें। मान के चलो आपने कोई सा भी पार्ट क्वालिफाई किया या आपने फाइनल कट ऑफ में आपका नाम आ चुका है, मगर फिर उसके बाद आप क्या करें। तो एक ही ऑप्शन आता है हमारे सामने, EDOZR। तो दोस्तों, EDOZR के अंदर हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करें ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना आए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो इसी के लिए ये मेरी वीडियो है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर करना और इसको एक लाइक ज़रूर देना। और अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पर, तो अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए एजुकेशन से रिलेटेड हमारे चैनल एजुकेशन आपको ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपकी सब्सक्रिप्शन लिस्ट में एक चैनल फालतू होगा, मगर ये चैनल जो है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो दोस्तों, मैं आगे स्टार्ट करता हूँ जो मैं चीज़ इसमें बताने वाला हूँ। दिस इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कैंडिडेट गोइंग थ्रू द रिक्वायरमेंट प्रोसेस ऑफ TSSB, दैट द मैनुअल प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर एलिजिबिलिटी बाय द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट अगेंस्ट नोटिफाई वैकेंसीज फॉर वेरियस पोस्ट कोर्स हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्पेंसड विद देयर बाय इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू सिस्टम ऑफ अपलोडिंग एसेंशियल डॉक्यूमेंट थ्रू EDOZR मॉड्यूल। दोस्तों, एक EDOZR मॉड्यूल होता है जो आपका अकाउंट लॉगिन करने के बाद आता है। जैसे कि आप अगर अपना अकाउंट लॉगिन करके अपना रिजल्ट देखते हैं, अगर आप वहाँ शॉर्ट लिस्ट है तो वहाँ पर एक कॉलम आता है EDOZR का, उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का आता है। उसके बाद आपको एक लिस्ट मिलती है जिसके अंदर आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, 10th 12th की मार्कशीट हो, CTET का सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा की मार्कशीट हो, और दोस्तों थंब इम्प्रेशन, फोटो, सिग्नेचर, सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। ये फाइनल वेरिफिकेशन नहीं है दोस्तों, मैं क्लियर करता हुआ चलता हूँ। फाइनल वेरिफिकेशन बाद में होगा, अभी क्या है आपके सभी डॉक्यूमेंट वो मांग लेते हैं, ताकि किसी का अगर कुछ डॉक्यूमेंट कम है तो वो उस पर कुछ एक्शन लेना चाहें या कुछ छूट देना चाहें तो वो सोच विचार कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड ऑन EDOZR मॉड्यूल। तो दोस्तों, यह है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अंडर SC ST OBC दिल्ली कैटेगरी। दोस्तों, ये सिर्फ दिल्ली कैटेगरी के लिए फॉलो होता है। अगर आप यूपी से हैं, यूपी से आपका OBC का सर्टिफिकेट है, तो दिल्ली में मान्य नहीं है, दिल्ली में आप जनरल में काउंट होंगे, ठीक है। तो ये बात क्लियर करता हुआ चलता हूँ। तो जिन लोगों ने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया हुआ है या जो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं SC ST OBC, तो वो एक डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। और दूसरा है दोस्तों, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट फॉर OBC। OBC वालों का क्या है, नॉन क्रीमी लेयर जो उनका सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद फादर कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेंट कास्ट सर्टिफिकेट हैज़ बीन इशू अदर स्टेट बट द कैंडिडेट क्लेम्स OBC दिल्ली। ऐसा होता है कि जैसे अगर आपके पापा का तो दिल्ली का है, मगर आपका किसी वजह से यूपी का है या बिहार का है या पंजाब का है या हरियाणा का है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको जनरल से उसमें नहीं आना है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट का कोटा चाहिए, तो आपने अपने पापा के नाम से वो कर दिया, तो आपको अपने फादर का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। और दोस्तों, अगला है फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट शोइंग एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी। अगर किसी व्यक्ति ने ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, फिजिकली हैंडीकैप या विजुअली हैंडीकैप कोटे से भरा है, तो दोस्तों उनको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाना होगा। और जैसा कि आप सभी को पता है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तभी बनता है जब आपकी डिसेबिलिटी 14% से ज़्यादा हो। और अगला है दोस्तों, फॉर स्पोर्ट्स पर्सन कोटा। कुछ लोग होते हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, तो उनको कोटा मिलता है, उनको भी अपना एक यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मेडल एज रिलेवेंट ये लगाना है। और उसके बाद कैंडिडेट क्लेमिंग रिलैक्सेशन एज गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, देख लीजिए, यहाँ पर सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ ऑफिस स्पेसिफाइंग पोस्ट लेंथ ऑफ कंटिन्यूस सर्विस अलोंग विद कॉपी ऑफ ID ऑफ हेड ऑफ ऑफिस मोबाइल नंबर एनी में। अगर कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट से उनका कुछ है बैकग्राउंड, तो वो इस चीज़ को कर सकते हैं। अगला है दोस्तों, कैंडिडेट क्लेमिंग रिलैक्सेशन एज एक्स सर्विसमैन वो होता है दोस्तों जिन्होंने पिछले कहीं जॉब की हो गवर्नमेंट और उसके बाद छोड़कर इस पोस्ट पर आना चाह रहे हो, तो उसका भी उनको कुछ फ़ायदा मिलेगा। और अगला है दोस्तों, फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट क्लास 10 सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ। दोस्तों, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10th क्लास के सर्टिफिकेट जो है वो डेट ऑफ बर्थ के काम आ जाता है। और अगला है दोस्तों, फॉर प्रूफ ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि इसमें आपकी मार्कशीट लगेगी डिप्लोमा किया हुआ है, जो आपने BEd की हुई है या फिर आपने DEd किया हुआ है, कुछ भी, तो वो आपका यहाँ लगेगा। और ओरिजिनल प्रोविजनल डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट। और उसके बाद दोस्तों,
फॉर कैंडिडेट हु हैव अक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन फ्रॉम प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अगर किसी ने भी प्राइवेट डाइट से या प्राइवेट इंस्टीट्यूट जहाँ से स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा किया हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जम्मू ग्वालियर से कुछ बीएड वगैरह की हो, तो दोस्तों उनको वहाँ जो इंस्टीट्यूट है उसका कॉलेज रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट लगाना होता है। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या अपलोड करना है, कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड। जब आपने एग्ज़ाम देने के लिए जो एडमिट कार्ड था उस पर जो वहाँ इनविजिलेटर के सिग्नेचर थे वो वाला एडमिट कार्ड आपको स्कैन करके अपलोड करना है। अगला दोस्तों आधार नंबर इज़ रिक्वायर्ड फिर ई डोजियार फॉर ई डोजियार, तो आधार कार्ड नंबर चाहिए ही है, कंपलसरी है। उसके बाद है एनी अदर डॉक्यूमेंट एज मार्क मे बी आस्क फॉर बाय डेट रिपल्स भी फॉर फ्रॉम टाइम टू टाइम। और अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट चाहिए होता है तो वो भी अपलोड करना है, आप देख लेना। फोटोग्राफ हो गया, आपका सिग्नेचर, राइट थंब इंप्रेशन, स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन। और दोस्तों उसके बाद यह है स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन, ये फॉर्म ए है। इसके अंदर ये चीज़ें लिखी हुई है कि मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, इस तरह से है। तो दोस्तों इसका कोई कॉलम नहीं है, अगर आप सारे कॉलम फिल करते हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसका कुछ कॉलम होता है स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म का तो इसको भी फिल करके ज़रूर अपलोड करते। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं मानता हूँ इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस वीडियो को ढंग से देखें तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी ई डोजियार फिल करने में। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा इशू है ई डोजियार किस तरह से फिल करते हैं, तो आप नियर बाय साइबर कैफ़े या खुद घर बैठे भी इसको कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। सब्सक्राइब के लिए मैं दोबारा कह रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल एजुकेशनल हब को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जितनी भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एजुकेशनल हब यूट्यूब।